नमस्कार, पकरडीहा ग्राम पंचायत विकास खंड अतरौलिया जनपद आजमगढ़। इस ग्राम पंचायत में आज मेले का आयोजन हुआ है और यहाँ पर देखिए पूरा अच्छी तरह से मेला लगा हुआ है। चारों तरफ आपको दिखा दे रहे हैं, मेरे आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है इस मेले में। लोग दूर दूर से आए हैं। जैसे आसपास के ग्राम पंचायत जैसे चौबेचक है, माझीपुर है, बेलसरी है, वो हो गई, और यहाँ फुलवरिया हो गई, बुलरी हो गई, पलिया हो गया, इस ग्राम पंचायत से लोग आके अपना मेले का आनंद ले रहे हैं और अपना खरीदारी कर रहे हैं। जैसे खिलवाड़ हो गए बच्चे के, गुब्बारे हो गए, मिठाइयाँ हो गई, मेले में तो यही सारी चीज़ें जो मिलती हैं। और दुकानदार भी दूर दूर से आए हैं, अधिकतर जो दुकानदार हैं अतरौलिया से आए हैं, नंदना से आए हैं, मतलब इधर से ज़्यादा दुकानदार आए हैं। ग्राम पंचायत पकरडीहा का मेला काफ़ी पुराना मेला है। ये मेला जो है कितना पुराना लगता है, हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े इन्हीं से पूछते हैं, दादा जी मेला कब से लग रहा है? अब बैठिया, मेला वक्ती है, ये मेला कब से लग रहा है? अब हम ना बताता है कब से हुआ, आपके होश से कब से लग रहा मेला? अरे आप ढेर दिन से लग रहा है कि हमें होश से पहले लग रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितना होगी? अरे 40-45 ऊपर है। आपकी उम्र 40-45 साल है? 45 ऊपर होगी, 60-70 होगी। 70 साल उम्र है? आप अपने बचपन से उम्र देख रहे हो ये मेला? हाँ, बचपन से देखा था। मतलब ये मेला बहुत पुराना है? हाँ, मेला आज थोड़ी है, पहले का अपेक्षा सब भीड़ कम है या ज़्यादा है? नहीं भैया, तो पहले कितना हो गया, जब क्या जैसा हो गया, ज़्यादा पहले ज़्यादा भीड़ होते रहा कि अब भीड़ होते रहा? पहले ज़्यादा होते रहिए, पहले ज़्यादा होते रहा, पहले फूला फैला रहा बढ़िया घर में, पहले का होते रहा कि अब जो ना होते हैं कहाँ होते भाई, पहले का इलाका मिल रहा है होता है। हाँ, किसान मिल रहा है भर रहा है पहले, अब ना होता है? नहीं, अब तो गायब होता है। और कौन चीज जो नहीं ना होता बा? अब कहाँ होता बा है, पहले तो झांसी निकाले सब दिन सत्य आ लिया। हाँ, सब दिन झांसी दिन सत्य आ लिया। हाँ, और क्या, अब तो कुछ खत्म हो गया, अब खाली रावण बनता है, थोड़ा मऊना बना। रावण भी सुने आपकी तो नहीं बना है? नहीं, अपना बना, रावण बढ़ता रहा, रावण बढ़ता रहा पहले। तो कितना दूर दूर से आदमी आते होंगे लगभग? पहले बहुत ज़्यादा पूरा मनियापुर मनियापुर तक आवा लोग तो मेला में कितना मजा ले ला? तो क्या क्या खाए? अरे बहुत कुछ खा लिए, जलेबी लेबी खा लिए, मोमोज उमोज। मेला में क्या विशेष लगा? विशेष लगा बस बर्गर। बर्गर, उसके अतिरिक्त? अतिरिक्त बस घूमने बहुत मजा आता है। अच्छा, घूमने में अतिरिक्त और मजा आता है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं समडी से। समडी से जावा का लगा। तुम कहाँ से आए हो? हम देवरिया से आए हैं। देवरिया से? हाँ। अच्छा, तो मेला में घूमना अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, सबको लगता है। अच्छा, हाँ यूट्यूबर है, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो ठीक है, अच्छी है, हमारी शुभकामना। हम डालते हैं वीडियो, ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पे। अच्छा, अच्छी बात है, यूट्यूबर तो यूट्यूब बनाओ। हाँ बनाते हैं, बनाते हैं। बनाए? हाँ बनाते हैं, है चैनल मेरा। बनाए अभी यहाँ? यहाँ लाज नहीं बनाए, लाज लगती है। तो लाज क्यों लग रही है? गांव के दोस्तों से, इसलिए। आप वीडियो बनाने में लाज क्यों लग रही है? अरे लगती है। कौन वीडियो बनाई? तो देखिए इस तरह से ये मेला बहुत प्राचीन है, जो सदियों से लगता आ रहा है, और दूर दूर से। हाँ, कितना दूर दूर से आदमी यहाँ आते हैं? मंझापुर तक का होटल है, खबूरा तक का होटल है, 3 किलोमीटर दूरी से।
अचलपुर का बताना है भैया जीते अब मिलते हमारा बताए पाए कितना मीटर हो कितना कहाँ हो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी से मिला इधर देख के बोला कहाँ कहाँ से आदमी आते हैं अरे मनियापुर से आते हैं नन्ना का बताना है खपुरा का बताना है पलया का बताना करौनी का बताना है गुलडी का बताना है फुलोरिया का बताना है चमकी का बताना है गदाई पूछा का बताना है अच्छा अब वो सब लग रहा भीड़ हट गई अब हर गांव में मेला है हर बाजार में मेला है तो भीड़ की जो मात्रा कम है लेकिन फिर भी जो है मेला लग गया है। आप इधर देखिए पश्चिमी हिस्से में अब सूर्य देव भी अस्त हो गए हैं अब मेला भी लगभग समाप्त होने के कगार पर है लेकिन अब भी जो है दुकानदारों के बीच में या खरीदारों के बीच में पूरा क्रेज है सामान खरीदने को लेकर के ग्राम पंचायत मकरडीहा पोस्ट मकरडीहा का ये लगा हुआ मेला ग्राम पंचायत मकरडीहा का ये मेला देखिए